नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा खतरनाक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप अपने 4000 घंटे का वॉच टाइम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस, आपका चैनल भी काफी समय हो गया बनाए हुए और आपके सब्सक्राइब पूरे हो गए हैं और आपका वॉच टाइम जो कम्प्लीट नहीं हुआ है, 2000 है, 3000 है, वो 4000 नहीं हो पा रहा है। तो आपको इस ट्रिक के अनुसार, आपको जिस ट्रिक को फॉलो करोगे तो अपना वॉच टाइम आप पूरा कर लोगे बहुत ही आसान तरीके से। तो गाइस, मैंने भी अपना वॉच टाइम फाइनली ऐसे किया था, तो मेरा 3100 घंटे का वॉच टाइम था जो कि बढ़ नहीं रहा था, घट जाता था। तो ये प्रॉब्लम आपके भी सामने आती होगी कि आपका वॉच टाइम भी जो घट जाता है, बढ़ने की बजाय घट जाता है। तो ये क्यों घटता है गाइस? ये 365 दिन के अंदर हमें जो है 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। अगर आपका वॉच टाइम 365 दिन के अंदर 4000 घंटे और बन के सब्सक्राइब नहीं कंप्लीट कर पाती हो तो क्या होता है कि जो वॉच टाइम हमारा घटने लगता है। जैसे हमारे जो चैनल को 365 दिन के बाद 366 ऐसे दिन होने लगते हैं तो हमारा जो वॉच टाइम है जो कम होने लगता है। कम क्या मतलब, जो वॉच टाइम हमें पहले मिला हुआ होता है वो वॉच टाइम कटता रहता है और न्यू वॉच टाइम हमारा ऐड होता रहता है। ये आपको प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ती होगी कि आपके वाइट स्टूडियो में भी वॉच टाइम घट रहा है। तो गाइस, आपको वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो आज की इस ट्रिक को देखकर, मेरी ट्रिक को जानकर आप वॉच टाइम बहुत जल्दी से आप कंप्लीट कर लोगे। तो गाइस, मैंने भी अपना चैनल जो फाइनली ऐसे ही कंप्लीट किया था अपने 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो गाइस, मैं आज ये आपको जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ जिसमें कि आपका जो मोनेटाइज के लिए ये वॉच टाइम बिल्कुल काउंट होगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और व्यूज भी आएगा। तो जो व्यूज वहां पे आएगा वो एक्सटर्नल जो है व्यूज वहां पे दिखाएगा। तो गाइस, आपको फाइनली वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। आपसे इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं आपको सिखाऊंगा कि 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे करते हैं। तो गाइस, हम अपने फोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब मैं फाइनली वो ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने चैनल का 4000 घंटे का वॉच टाइम बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। तो गाइस, ऐसा नहीं करना है कि आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम इसी ऐप के द्वारा कंप्लीट कर लो, ऐसा बिल्कुल मत करना आपको। और जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप चैनल को एक साथ एकदम मोनेटाइज के लिए मत भेजना। तो गाइस, क्या करना है कि जैसे आपका 2000 है या 2500 है या 1500 घंटे, अगर 1000 घंटे से भी ऊपर है या 1000 घंटे से कम है तभी ये ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपना जो है क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो जैसे मेरा क्रोम ब्राउजर यहाँ जो है, मेरा क्रोम ब्राउजर ये है, तो मैं इसको जो है ओपन कर लूँगा। तो गाइस, जैसे ही आप ये ट्रिक जो है, जैसे मैं अपने फ़ोन में कर रहा हूँ वैसे ही आपको करते रहना है। तो जैसे मेरा क्रोम ब्राउजर ये है तो मैं अपने क्रोम ब्राउजर को जो ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपना क्रोम ब्राउजर जो ओपन कर लिया, फिर यहाँ पर मुझे इस तरह का देखने के लिए मिल जाता है। फिर आपको न्यू टैब पर जो क्लिक करके एक यहाँ पे न्यू टैब जो ले लेनी है। फिर ये आ जाता है गूगल, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सर्च बार का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे गाइस, ये आपको सर्च बार का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अब फाइनली आपको यहाँ पे लिख कर सर्च कर देना है, तो स्पेलिंग बिल्कुल मिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ लिखना है YT व्यूज बाजार। तो गाइस, ये बहुत जेन्युइन तरीका है 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने का। तो इतना लिखकर आपको जो सर्च कर देना है, जब हम फाइनली इतना लिखकर सर्च कर देंगे तो हमारे सामने जो है इतना इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो फाइनली गाइस, आपको क्या करना है कि नंबर वन वाली वेबसाइट को ही ओपन करना है। जैसे ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ आ जाता है ये, तो आपको नंबर वन जो वेबसाइट जो देखने के लिए मिलती है तो इस पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे ये वाली वेबसाइट है तो इस वाली वेबसाइट पर भी आप क्लिक करना है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस, यहाँ पे आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा YT डाउन थंबनेल डाउनलोडर। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। फाइनली आपको क्या है कि यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है आपको, कॉपी एंड पेस्ट एनी यूट्यूब वीडियो लिंक। तो यहाँ पे आपको अपने चैनल की कोई भी ऐसी वीडियो देख लेनी है जिसका जो है टाइम सबसे ज़्यादा हो, मतलब सबसे थोड़े टाइम की ज़्यादा हो। तो गाइस, चलो यहाँ से हम थोड़ा यहाँ से कट कर देते हैं, अपने वाइट स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे हम अपनी YT स्टूडियो को ओपन करेंगे फिर आपको एक वीडियो का लिंक जो है यहाँ से जो है कॉपी कर लेना है। तो चलो मैं फाइनली आपको दिखाता हूँ कॉपी करके कि कैसे कॉपी करते हैं। तो आप फाइनली आपका जो YT स्टूडियो ओपन हो जाएगा, जैसे मेरा ये YT स्टूडियो ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो कि अच्छे टाइम की हो। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस वीडियो को जो सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर कार्टून वीडियो कैसे बनाइए, 14 मिनट की मेरी वीडियो। तो यहाँ पे इस 3 डॉट पर जो टिक करना है, फिर शेयर वीडियो पर क्लिक कर देना है। शेयर वीडियो पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन मिलेगा, इस लिंक को कॉपी कर लेना। फाइनली अब यहाँ से
बेच जाना है, यहाँ से कट कर देना। फिर आपको उसी साइड को ओपन कर लेना है। अब गाइस आपने ये साइड ओपन कर ली, फिर यहाँ पे आपको दवाई रखना है और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन जो है मिल जाता है, तो इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब लिंक को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो है एंटर द नंबर ऑफ व्यू आ जाता है यहाँ पे। तो गाइस एंटर ऑफ नंबर व्यू आता है, तो यहाँ पे आप जितनी बार अपनी वीडियो को चलाना चाहते हो, जैसे हमारा जो बॉस टाइम कितना कम है ये ज़्यादा, तो आपको ये ट्रिक फॉलो करके देखना है। तो यहाँ पे जैसे मैं चलाना चाहता हूँ इस वीडियो को 10 बार, तो यहाँ पे जो 10 यहाँ पे नंबर ऑफ 10 कर देना है। तो गाइस यहाँ पे क्या है, मैं इस वीडियो को जो है 10 बार जो है चलाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसका जो है 10 कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पे जो आपको 10 कर देना, तो 10 लिखकर अगर आप यहाँ पे आपके फ़ोन के स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ पे 1000 भी कर सकते हैं। अगर आप एक वीडियो को 14 मिनट की 1000 बार चला दोगे तो आपका बॉस टाइम एक बार में जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इतनी बड़ी वीडियो जो है बना लेनी है। फिर आपको गाइस क्या कर देना है कि पीले वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे ये पीले का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको ये जो है पीले वाला ऑप्शन यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्ले करेंगे तो फिर आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पे जो है इस तरीके से खुलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे 10 क्लिक कराए, तो ये मेरी जो वीडियो है वो 10 कैप्चर में ओपन हो जाती है। तो गाइस यहाँ से जो क्या है 10 कैप्चर में जो है ये वीडियो मेरी 1, 2, 3, 4 जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये वीडियो ऐसी ऐसी ओपन हो जाती है। तो आप अपने फ़ोन में 100 बार भी चला सकते हो, 1000 बार भी चला सकते हो। फिर गाइस आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो है साइड में अपनी वीडियो को प्ले करना है। तो गाइस जैसे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, सब वीडियो के साइड में यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपकी वीडियो जो प्ले हो जाएगी। तो ये मैं अभी दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक करा फिर ये मेरी जो वीडियो हो वो यहाँ पे प्ले हो जाएगी। तो ऐसे ही मेरी वीडियो जो कई बार चलेगी, देखो गाइस ये मेरी वीडियो प्ले हो रही है। तो जैसे ही प्ले होगी तो आपकी जो आप 1000 बार कर दोगे तो आपका बॉस टाइम बहुत जल्दी जो कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली गाइस ये ट्रिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ न्यू वीडियो में, जब तक के लिए।